नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। मैंने सोचा कि आज के युग में खान पान बहुत बदल गया है, जिसके वजह से पेट के अनेक बीमारी हो रहा है। हमेशा पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बना ही रहता है, आप चाहे कितना भी परहेज कर ले, कम खाना खा करके देख लिए, तेल मसाला कम खाए, डॉक्टर भी बदल लिए, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, जड़ी बूटी, हर तरह का आपने दवा का इस्तेमाल किया। आजकल तो प्रचार वाली दवा का प्रचलन बढ़ गया है, झंडू पंचारिष्ट, ये सब बहुत सारे दवा आपने लिया, तो फायदा तो किया, लेकिन आपका बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। और पेट का बीमारी यदि होम्योपैथिक से अच्छे ढंग से अगर इलाज कराया जाए तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसमें 25-30 साल की बीमारी भी, पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है पूरी तरह से। यदि आपका पेट बिल्कुल ही खराब रहता है, एक दिन ठीक रहा, दो दिन ठीक रहा, तीसरा दिन से फिर खराब हो गया, एक दो दिन, चार दिन ठीक रहा, फिर चौथा दिन से खराब हो गया, एक दिन ठीक रहा, फिर दूसरा दिन खराब हुआ, आप सोचते हैं कि हो क्या गया है, और तमाम तरह के जो मार्केट के दवाइयां हैं आप ले चुके हैं, और इसमें पेंटोप्राजोल 40 का इस्तेमाल आपने किया, पैन 40 इंजेक्शन भी लगवाए, और पेट का फूलना आपका खत्म नहीं हो रहा है, और बार बार खाना अपच के कारण आपको बार बार पैखाना जानी पड़ रही है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और कई लोगों को तो हल्के हल्के बुखार भी आता है, टाइफाइड भी हो जाता है, और टाइफाइड के लंबे समय तक इलाज कराने से और कोई भी बीमारी का लंबे समय तक अंग्रेजी दवा लेने से आजकल किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, और पेट में दर्द होना और बाएं या दाएं साइड में या दोनों साइड में आपको दर्द महसूस होना, ये सब लक्षण आने लगता है। सूजन, शरीर का कहीं का भी सूजन हो या कहीं का भी दर्द हो, जो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे तो आप सावधान हो जाइए। दर्द और सूजन कोई खास परिस्थिति में ही होता है। तो पेट का मान लीजिए आपको शुरुआती दौर में एसी लॉक, ओमेप्राजोल, ओसिड, सिप्रोफ्लक्सासिन, टिनिडाजोल, सिफोमेटिजेड, अनेक तरह के आपने दवा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी बीमारी आपका जस का तस बना हुआ है, तो पेट का बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। खाने का तो अंदर से खूब मन करता है कि डर के मारे आपकी हालत खराब हो गई रहती है कि कल ये क्या करेगा, थोड़ा सा मीट खा लिए, मछली खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, थोड़ा सा घी खा लीजिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, और कई कई लोग तो एकदम खाना छोड़ देते हैं पैखाना जाने के डर से। अब उनको जाएंगे कहीं दिखाने के लिए आपको, तो IBS बोला जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो डर के मारे खाना यदि कम खाते हैं तो फिर भी वजन कम होने लगेगा, वजन लगातार आपका घटने लगेगा, यही प्रॉब्लम है। कम से कम किसी भी व्यक्ति का 60 केजी वजन रहे तो अच्छी बात है। आप अपने घर में मशीन लगा सकते हैं, जब तक 60 केजी से ऊपर न चला जाए तब तक आपको इलाज करानी चाहिए। और खाना में आप कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी परहेज कर लें, उपासे आप क्यों न सो जाए, फिर भी आपका पेट का बीमारी ठीक नहीं होता है। आप सोचते हैं कि परहेज भी कर रहे हैं और डॉक्टर से भी दिखा लिए हैं, अंग्रेजी दवा ले लिए, होम्योपैथिक ले लिए, आयुर्वेदिक ले लिए, होम्योपैथिक दवा में नक्स भूमिका, कार्बोभेज, अर्जेंट नाइट्रिकम,
बहुत तरह के दवाइयां होती है, क्लोसिन न जाने कितने तरह का दवा आपने इस्तेमाल किया है ये तो मुझे पता नहीं है। तो तमाम तरह के दवा लेने के बाद में आपको संतुष्टि नहीं होती है, बार बार किसी भी बीमारी के लिए आजकल लोगों की आदत लग गई है, तुरंत मार्केट में जाते हैं और एक दो दवा लेकर चले आते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। कई मजदूर तो ऐसे हैं कि दिन भर काम करेंगे, शाम को कोई भी बुखार जैसा मन होगा तुरंत अंग्रेजी दवा के पास जाएंगे, इसका गलत रिजल्ट निकलता है और उनको ऐसा हो सकता है कि बार बार अंग्रेजी दवा का प्रयोग करने से आपको पथरी बनने लगे, आजकल खूब ज़्यादा हो रहा है। और बाजार में तो खाने पीने का आपको भंडारा लगा के लोग बैठे रहते हैं, बस 10-5 दीजिए आपका भोजन तैयार है, थोड़ा सा चटपटा, अरे खाने का इस समय थोड़ी किसी को दिक्कत है। और बाजार वाले का टेस्ट तो अलग ही है, भले सारा ही आपको खाना भोजन आपको क्यों न परसा जाए, कुरकुरे हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइए हो जाए और आपके किसी न किसी बहकावे में चले आते हैं, आपको आदत लग जाती है। और तो गोलगप्पे तो मत पूछिए, कहीं भी ठेला वाले हैं वो लगा देते हैं ठेला, वहाँ शुरू हो जाता है और आपकी आदत सी बनी रहती है कि कुछ ना कुछ लेंगे, भले जो भी हो जाए, बीमार पड़ेंगे तो पड़ेंगे। उस समय तो कहना बहुत आसान होता है कि जी कर क्या करेंगे, खाओ कर मरे, लेकिन जिस दिन बीमारी होता है उस दिन आप डॉक्टर के यहाँ कितना दौड़ते हैं, कितना चक्कर लगानी पड़ती है, डॉक्टर पर डॉक्टर बदलनी पड़ती है, अस्पताल पर अस्पताल बदलनी पड़ती है, राज्य का राज्य आप स्टेट के डॉक्टर भी बदल देते हैं, साधारण अस्पताल से लेके बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर तक चले जाते हैं, फिर भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो अंत में मरने के लिए आपको शरीर को छोड़ देना पड़ता है। तो ऐसा आपके जिंदगी के साथ हो गया है कि न जी रहे न मर रहे हैं, IBS पेचिस पेट का बीमारी, बार बार पैखाना होना, इस टाइप का बीमारी यदि आपको लग गया है, तमाम तरह के अच्छे चिकित्सा लेने के बाद भी यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर पर अपने बीमारी के बारे में जानकारी लीजिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। नंबर को नोट करिए 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर नंबर को सुनिए एक बार, 9801, लीजिए आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए इसे, 9801757 5733। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333-4270-700-3342 पर आप राय ले सकते हैं। कितने लोग एक बार कॉल लगाए, किसी कारण से नहीं उठा, दोबारा कॉल ही नहीं लगाते हैं। दूसरे नंबर को नोट कर लीजिए, 70703342। इस पर आप संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। इसके पेट के साथ साथ आपको स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है और गुप्त रोग सेक्स पावर धीरे धीरे कम भी होने लगेगा, यौन क्षमता में लगातार धीरे धीरे कमी भी होने लगता है। और पेट रोग जब आ जाएगा तो इसके साथ कई समस्या हो सकती है,
चमड़े का बीमारी होना, केस का झड़ना और बहुत ज़्यादा वजन कम होना या बहुत ज़्यादा वजन ज़्यादा होना। कई लोगों को लगता है कि बहुत मोटे हो रहे हैं, लेकिन कोई बताइए मोटा कैसे हो सकता है? अच्छे खान पान हेल्दी खाने खाने के बाद ही कोई अच्छा से मोटा हो जाएगा। बीमारी होता है तभी जाकर के आप मोटे होते हैं, बीमारी रहता है तभी आप पतले रहते हैं। पतले आवश्यकता से ज़्यादा पतले होना या मोटा होना, दोनों हाल में आपको कोई ना कोई बीमारी रहती है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते हैं। पेट का कितनों भी कोई भी बीमारी हो या लीवर संबंधी बीमारी हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो या हेपेटाइटिस बी हो, इसका उपचार होम्योपैथिक इलाज करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आज सैकड़ों रोगी मार्केट में जिंदा है, ठीक हो गए हैं। तो पे आपको हेपेटाइटिस बी का रोगी, तो अब एक आपको लड़की थी जो 7-8 साल की उम्र में हमने देखा था उसको, आज उसका तो शादी विवाह हो गया है सारा चीज। आज उसको छपरा पटना सारे जगह दिखाया गया था और बोल दिया गया था कि इसको ले जाइए, खाना खिलाइए, हेपेटाइटिस बी हो गया है, किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होगी। चंदीप माझी जी की वो लड़की थी। किसी दिन उनका भी हम, उस समय यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, आज हुआ है तो अब उस समय तो लाइव नहीं होता था, किसी समय में हम चंदीप माझी जी के घर का भी हम लाइव करेंगे और आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी कितने लोगों को हमने अच्छा किया। पेट के बीमारी से हमेशा झड़ते फूलते रहता है, बार बार पैखाना जाने के कारण शरीर में आपका खून का कम होना और शरीर में मांस नहीं रहे, हड्डी ही खाली बच जाए, शरीर से में खाली लगा है कि मांस शरीर में हड्डी बच जाए तो आप देखने में कैसा लगेंगे, आप समझ सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का बहुत सारे मरीजों को हमने ठीक किया और पेट इतना खराब हो जाता है कि चेहरे का सौंदर्य खत्म होने लगता है, शरीर जो होता है काले पड़ने लगते हैं, चेहरे का रंग काले पड़ने लगता है और हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और आप हमेशा बात दिमाग में यही रहता है कि कहीं जाएंगे तो पैखाना लग जाएगा तो क्या करेंगे। आपको बार बार पेट खराब होने का डर रहता है और तमाम तरह के आप परहेज कर ली है, कुछ भी परहेज क्यों ना कर ले, पेट का बीमारी ठीक ही नहीं होता है और यौन क्षमता लगातार सेक्स पावर में भी कमी होते देखा गया है इस बीमारी के कारण। तो पेट का बीमारी आपको हो जा रहा है और आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और छोटे बड़े सबको हो रहा है। अनेक तरह का आपको बीमारी मिलेगा, बहुत कम उम्र में किडनी का बीमारी भी हो जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा पतले हो, पेट निकला हो, तो ये बच्चे के लिए आपके लिए खतरनाक है। ज़्यादा पतला होना भी किडनी के बीमारी का संकेत हो सकता है। आँख का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है लोगों का और इसमें स्टेमिना जो होता है, यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। पेट के बीमारी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुबला होना ये आपको दिक्कत करेगा। कई औरतें तो अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी पेट के बीमारी की वजह से, आज वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और वजन जिनका 30-35 केजी हो गया था पेट के बीमारी की वजह से, आज 50 केजी है। तो वजन भी बढ़ता है, पेट का बीमारी जब ठीक होगा तो वजन भी बढ़ेगा, चेहरे का शाइनिंग भी बढ़ेगा और आप बहुत मजबूत स्ट्रांग दिखेंगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।